तो 2025 को हम लोग समझते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आप पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि 2025 में हमको जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है वो फ्रीक्वेंसी हमको सही दिशा में काम करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2025 का कौन कौन नंबर का हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगा। और आप अपना डेट और बर्थ को देखिएगा, उसमें आपका कौन सा नंबर मिसिंग है कि वो 2025 में वो नंबर मिलेगा तो हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगा। पहले 2025 के टोटल को जोड़ देते हैं, जीरो को नहीं लिया जाता है। तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो 9 नंबर का हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगा। 9 नंबर हायर एलिमेंट होता है, अब मंगल का भी नंबर बोलते हैं। 5 और 2 7, कोई भी व्यक्ति खाली 25 लिखेंगे तो 7 नंबर निकल के आएगा, 5 और 2 7, तो 7 नंबर का भी फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगा। और 7 नंबर केतु का नंबर और मेटल एलिमेंट बोलते हैं। और 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। तो चंद्रमा का नंबर का हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगा और केतु का नंबर का मेटल एलिमेंट 7 का भी नंबर है तो उसका भी फ्रीक्वेंसी मिलेगा। और 9 नंबर का भी फ्रीक्वेंसी मिलेगा। 9 नंबर आपका शरीर में उत्तेजना को पैदा करेगा, आलसी को ठीक करेगा, जो आलस में रहते हैं व्यक्ति उसको आलस को ठीक करेगा और उसके शरीर में ऊर्जा को भरेगा। 9 नंबर जब फ्रीक्वेंसी देगा तो उसमें उत्तेजना जागेगा, छलांग लगाने का मन करेगा, कमाने का मन करेगा और बिजनेसमैन होगा तो बिजनेस को बढ़ाने का उनको दिल करेगा। 7 नंबर फैमिली सपोर्ट का नंबर होता है, तो 25 जब लिखते हैं और उसको हम आपस में जोड़ेंगे 5 और 2 7, तो 7 नंबर निकल के आता है, तो ये फैमिली सपोर्ट का नंबर बनता है। तो 7 नंबर फैमिली सपोर्ट का भी नंबर 2025 में आ रहा है, तो आपका फैमिली भी खुशहाल रहेंगे। और जिनका 7 नंबर मिसिंग होगा डेट ऑफ बर्थ में, तो उनको 7 नंबर का फ्रीक्वेंसी मिलेगा और उनको थोड़ा सा पारिवारिक सपोर्ट भी मिलने लगेगा जब 7 नंबर का फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तब 7 नंबर सब नंबर से थोड़ा सा हट का नंबर है, थोड़ा सा अलग देखने में नंबर लगता है। ये ऐसा व्यक्ति जिनका 7 होता है वो ओकल साइंस में थोड़ा सा रहते हैं, थोड़ा सा उनका शरीर में पेट का बीमारी थोड़ा सा कम होता है जिनका 7 नंबर होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपको 25 में मिलेगा। उसके बाद चंद्रमा का नंबर दो नंबर का भी फ्रीक्वेंसी मिलेगा आपको। तो 2 नंबर जो है अस्थिर दिमाग माँ के लिए भी होता है, जगह जमीन के लिए भी होता है और हड्डी के लिए भी होता है। और सरकारी दफ्तर में कुछ काम कराना हो तो 2 नंबर करा देता है। और अस्थिर दिमाग रखता है और प्लानिंग बनाने का भी नंबर होता है। और कितनों दिनों से आदमी जगह जमीन सोच रहे होंगे लेने के लिए और नहीं ले पा रहे होंगे, तो 2025 में यह नंबर आया है तो आप जगह जमीन ले सकते हैं। 2 नंबर जगह जमीन का भी होता है, इसलिए कि छोटे मोटे जमीन हो, किसी को बड़ा होता है किसी को छोटा होता है, बाकी जमीन होता है। तो 2 नंबर जो होता है ये चंद्रमा का नंबर है और इस शरीर में हलचल को पैदा करेगा। और 7 नंबर जो है आपको फैमिली सपोर्ट देगा। और 9 नंबर आपके शरीर में उत्तेजना देगा।
और आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अब वो अवसर को गंवा दीजिएगा तो फिर आपके लिए 2025 बेकार चला जाएगा। तो आप 2025 को बेकार नहीं जाने दें, कुछ लाभ उठाएं, कुछ शरीर को स्ट्रगल में डालें कि स्ट्रगल जब तक नहीं करता है इंसान, जब तक जैसे कुछ कमाता नहीं है। तो 9 नंबर आया है तो कुछ न कुछ आपको आमदनी देगा, और 7 नंबर फैमिली सपोर्ट देगा, और चंद्रमा का नंबर अस्थिर दिमाग रखेगा, और वो भी दोस्त यार भी अच्छा बना देता है, और जो है से फैमिली सपोर्ट का भी नंबर चंद्रमा का भी मान सकते हैं। अब आ जाते हैं जो शादीशुदा जोड़ा नहीं है, शादी करने के लिए सोच रहे हैं 2025 में, तो बहुत खूब अच्छा ऑफर है, वो शादी ब्याह कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि 2025 में जो बच्चा जन्म लेगा तो उनको कौन सा फ्रीक्वेंसी मिलेगा। 2025 में अगर जनवरी महीना और तारीख 1 तारीख के जो बच्चा जन्म लेगा, इसलिए कि इतना बड़ा दुनिया है, तो 1 तारीख जनवरी महीना 2025 को जो जन्म लेगा बच्चा, तो उसको अगर जोड़ते हैं 5 और 2 7 और 7 और 2 9, 9 1 10 1 11, 11 का नंबर 2 आ जाता है। तो यह चंद्रमा से शुरू होगा, जो बच्चा 1 तारीख जनवरी महीना में लेगा उसका चंद्रमा का नंबर शुरुआत में आएगा। चंद्रमा चंचल होता है, थोड़ा सा छोटा छोटा बात पर दिल दुखी कर देता है, हो जाता है उसका, और किसी को भी दुखी कर भी देता है, अपने भी दुखी हो भी जाता है। तो ये जो 2025 में बच्चा जन्म लेगा तो 5 नंबर जो होगा कॉन्फिडेंस का नंबर होगा और चंद्रमा का नंबर होगा, तो ये बच्चा अकलमंद बच्चा पैदा लेगा, उसके पास अकल ज़्यादा होगा, दिमाग तेज होगा, ऐसा बच्चा जो 1 तारीख जनवरी महीना 2025 में पैदा लेगा जो बच्चा। तो मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि आपसे रब्ता बना हुआ रहे।